जी कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और जो मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात हैं, ये तकरीबन दो दहाइयों से यहाँ पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और कुछ वक्फा हम कह सकते हैं कि इस दौरान ऐसा आया था जब मोबाइल स्नैचिंग की या स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अंदर जो है वो कमी देखने में आई थी, मगर ज्यादातर वक्त जो गुजरा है वो इसके अंदर इजाफा ही देखने में आया है। गुज़िश्ता चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर एक नया इजाफा ये हुआ है कि डाकू न सिर्फ लोगों से सामान छीनते हैं या मोबाइल छीनते हैं बल्कि उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। तो इस तरह के वाकयात के अंदर गुज़िश्ता तीन माह के अंदर हम देख रहे हैं कि खासा इजाफा देखने में आया है। साल 2023 की यानी गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो पूरे साल के दौरान इस तरह के जो वाकयात हुए थे वो तकरीबन 108 मर्डर्स हुए थे कराची की सड़कों पर, मगर अब सूरत हाल जो है वो काफी खतरनाक सूरत हाल देखने में आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता तीन महीने या साढ़े तीन महीने कह लें, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च और अब अप्रैल का मिड आ गया है और अब तक कराची में जो है वो तकरीबन 61 अफराद जो हैं वो डाकुओं के हाथों जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जो हैं वो इन वाकयात के अंदर डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हुए हैं, जिनमें से बेशतर को ऐसी इंजरीज हुई हैं कि वो अपाहज हो गए हैं और बेशतर जो है वो लॉन्ग टर्म उनका इलाज जो है वो रिक्वायर्ड है, वो अस्पतालों में या अपने घरों पर जेर इलाज है। ख्वातीन भी इनके अंदर शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और इवन जो नौ उम्र नौजवान बच्चे होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, जो कि डाकुओं के हाथों मोबाइल स्नैचिंग के दौरान जो है वो मज़ाहमत पर या फिर किसी और वजह से जो है वो कत्ल हुए हैं या फिर इंजर्ड हुए हैं। अगर हम सिर्फ रमजान की बात करें तो रमजान के अंदर भी सूरत हाल जो है वो खासी ज्यादा खतरनाक रही है, तकरीबन 21 अफराद जो है वो डाकुओं के हाथों डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए हैं रमजान के दौरान और तकरीबन 55 से ज़ायद लोग जो हैं वो इन वाकयात के अंदर जख्मी हुए हैं। तो सूरत हाल जो है वो कुछ इत्मीनान बख्श दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो है वो काफी इत्मीनान दिलाया गया कि सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा, मगर अब तकरीबन साढ़े तीन महीने का वक्त जो है वो गुजर चुका है और सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ठीक होने के बजाय खराब से खराबतर होती चली जा रही है। इस दौरान अगर हम देखें तो जो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जहां पर ये वारदातें होती हैं, तो कराची का कोई भी इलाका कोई भी गली जो है वो इससे महफूज हमें दिखाई नहीं देती है, मगर खास तौर पर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, डिस्ट्रिक्ट मलीर की और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह के वाकयात जो है वो खासे ज्यादा देखने में आते हैं। खास तौर पे गुलशन इकबाल का इलाका है, गुलिस्तान जौहर है, नॉर्थ नासमाबाद है, फिडली एरिया है, नॉर्थ कराची का इलाका है, मलीर के बाद हिस्से हैं, वहां पर ऐसे वाकयात जो हैं वो खासे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कोरंगी और इससे मुलिखा जो इलाके हैं, लांडी का इलाका है, वहां पर भी ऐसे वाकयात जो है वो रोज का मामूल है। डाकू जो है वो इतने दिलेर हो चुके हैं कि रात पे भी और दिन दहाड़े भी जो है वो लोगों को लूटते हुए दिखाई देते हैं। बेकरियों में जो हेयर कटिंग सलून हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और दीगर जो ऐसी जगहें हैं, पुरहजूम मार्केटें हैं, वहां पर भी इनकी वारदातें जो है वो देखने में आती हैं और अक्सर वारदातें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए कैप्चर भी हो जाती हैं, सोशल मीडिया में वायरल भी हो जाती हैं, डाकुओं के चेहरे भी साफ दिखाई देते हैं उसके अंदर, मगर बहुत कम तादाद के अंदर ऐसे डकैत हैं जो कि पकड़े जाते हैं या फिर पुलिस मुकाबले के अंदर मारे जाते हैं। ज्यादातर अगर पकड़े भी जाते हैं तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का उसको लूप कहें या फिर दीगर कोई वजूहत कहें कि वो डाकू जो है वो बासानी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसी ही वारदातों का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू कर दिया जाता है। कराची में अगर हम देखें तो 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 109 पुलिस स्टेशन हैं और यहाँ पर जो हमें पुलिस की नफरी है वो खासी कम दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास पुलिस के अंदर ऐसे अफसरान जरूर मौजूद हैं जो कि बहुत काबिल अफसरान हैं और दयानतदार भी हैं और उनके तजर्बा भी जो है वो खासा ज्यादा है, मगर अभी तक उनकी जानिब से कोई हिकमत अमली जो है वो इन डकैतों को पकड़ने में फिलहाल सामने नहीं आ सकी है ताकि पब्लिक जो है वो सुकून का सांस ले सके। कराची के अंदर ऐसे वाकयात भी ईद के दिनों में रिपोर्ट हुए हैं कि एक जवान शख्स को जो है वो अपने ही फ्लैट के नीचे गुलशन इकबाल के इलाके में ईद के दूसरे रोज जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो कि यतीम हो गए। तो डाकू जो है वो बिल्कुल बेरहम हो चुके हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को निशाना बनाया गया, जो एक वाकया पेश आया कि एक बुजुर्ग खातून से जो है वो रिजिया के इलाके में बैग छीनने की वारदात हुई है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने इंतहाई बेरहमी से उस खातून से बैग छीना और मोटरसाइकिल में फरार हो गया। धक्के के नतीजे में जो मोहम्मद खातून थी वो जमीन पर गिर कर बेहोश हो गए, उनके सर में चोट आई है, वो जख्मी हालत में जो है अस्पताल में उनको तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा एक और वाकया जो है वो मस्जिद के अंदर पेश आया, जहाँ पे डाकुओं ने जो है वो मस्जिद में दाखिल होकर गालिबन करीमाबाद का ये इलाका है जहाँ पर मस्जिद में वारदात हुई है और जो मौजन है उन समेत दो तीन नमाजी जो है वो मस्जिद के अंदर से डाकू जो है वो उनसे मोबाइल फोन और नकदी वगैरह छीन कर ले गए।
तो यहाँ पर ऐसे वाकयात जो है वो आम हो चुके हैं और पुलिस जो है वो हमें कोई हिकमत अमली फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो बहुत पहले ये बात सुनने में आ रही है कि कराची में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो अब हुआ कि तब हुआ, मगर वो अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। कराची के अंदर बहुत ही कम शाराएं ऐसी हैं जहां पर तजर्बाती तौर पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, जदीद कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, मगर अभी तक वो कैमरे जो है वो सिंक हमें नजर नहीं आते। और उन कैमरों की तादाद को जो बढ़ाने की बात की गई थी हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से, उस पर अभी तक अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता। इन कैमरों की अफादियत जो है वो यकीनी तौर पर कराची के इस बहुत बड़े जो रकबा है, जो तूलो अर्थ है, उसके अंदर अच्छी साबित हो सकती है, काफी ज्यादा जो है अफादियत हमें मिल सकती है इन्वेस्टिगेशन में या फिर डकैतों को ट्रेस आउट करने में और उन तक पहुंचने में और उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने में। मगर अभी तक जो है वो बाद मसाइल की वजह से सीसीटीवी कैमरे जो है वो शहर भर में इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं। पुलिस जो है वो मदद लेती है इन वाकयात की, जो अतराफ के घरों में, इमारतों में या दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे निजी तौर पर नस्ब होते हैं उनकी मदद दी जाती है और इसकी मदद से जो है वो काफी डकैतों को पकड़ा भी गया है। मगर यहाँ पर जरूरत है इस बात की कि मौसर हिकमत अमली जो है वो इस हवाले से बनाई जाए, जबकि अब वाकई जरूरत हो चुकी है। कराची के लोग जो है वो काफी ज्यादा इन डाकुओं के हाथों जो है वो लुटते रहे हैं और अब जो है वो लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हमें दिखाई देता है। ऐसे भी वाकया जो है वो शहर में रिपोर्ट होकर दिखाई देते हैं और उनकी भी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो आमतौर पर सोशल मीडिया पे हमें गर्दिश करती दिखाई देती हैं, जिनमें लोगों ने जो है वो अगर डाकू उनके हाथ में आ गया है तो उसको निहायत बेदर्दी से मारा पीटा है, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई है। एक ताजा तरीन वाकया जो है वो रमजान के आखिर दिनों के अंदर कराची के इलाके गुलशन मीमार में देखा था हमने कि वहां पर जो सीसीटीवी आई थी उसमें एक शख्स ने एक डाकू को, जिसे लोग मार मार कर अदमुआ कर चुके थे, उसने अपने पिस्टल से उसके चेहरे पे 5-6 फायर किए और उसको हलाक कर दिया। उसके खिलाफ जो है वो केस भी बना दिया गया है, उस पर अभी तक अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता। इन कैमरों की अफादियत जो है वो यकीनी तौर पर कराची के इस बहुत बड़े जो रकबा है, जो तूलो अर्थ है, उसके अंदर अच्छी साबित हो सकती है, काफी ज्यादा जो है अफादियत हमें मिल सकती है इन्वेस्टिगेशन में या फिर डकैतों को ट्रेस आउट करने में और उन तक पहुंचने में और उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने में। मगर अभी तक जो है वो बाद मसाइल की वजह से सीसीटीवी कैमरे जो है वो शहर भर में इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं। पुलिस जो है वो मदद लेती है इन वाकयात की, जो अतराफ के घरों में, इमारतों में या दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे निजी तौर पर नस्ब होते हैं उनकी मदद दी जाती है और इसकी मदद से जो है वो काफी डकैतों को पकड़ा भी गया है। मगर यहाँ पर जरूरत है इस बात की कि मौसर हिकमत अमली जो है वो इस हवाले से बनाई जाए, जबकि अब वाकई जरूरत हो चुकी है। कराची के लोग जो है वो काफी ज्यादा इन डाकुओं के हाथों जो है वो लुटते रहे हैं और अब जो है वो लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हमें दिखाई देता है। ऐसे भी वाकया जो है वो शहर में रिपोर्ट होकर दिखाई देते हैं और उनकी भी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो आमतौर पर सोशल मीडिया पे हमें गर्दिश करती दिखाई देती हैं, जिनमें लोगों ने जो है वो अगर डाकू उनके हाथ में आ गया है तो उसको निहायत बेदर्दी से मारा पीटा है, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई है। एक ताजा तरीन वाकया जो है वो रमजान के आखिर दिनों के अंदर कराची के इलाके गुलशन मीमार में देखा था हमने कि वहां पर जो सीसीटीवी आई थी उसमें एक शख्स ने एक डाकू को, जिसे लोग मार मार कर अदमुआ कर चुके थे, उसने अपने पिस्टल से उसके चेहरे पे 5-6 फायर किए और उसको हलाक कर दिया। उसके खिलाफ जो है वो केस भी बना दिया गया है, अब वो इस केस को भुगत रहा है। मगर ऐसे भी वाकयात जो है लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो डकैतों पर निकाला है, लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, जो कि यकीनी तौर पर अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती, मगर लोग भी आखिर क्या करें, क्योंकि लोग जो है वो इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। तो जरूरत अब इस बात की है कि पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत जो है वो आपस में बैठकर और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर शामिल करके जो है वो मजबूत हिकमत अमली मुरतब की जाए, ताकि कराची को और कराची वालों को इन डाकुओं से, डकैतों से, इन जालिम लुटेरों से महफूज रखा जा सके।